इंडिया खबर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सारे देश में स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। अगली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हमारे पास आ रही है और ये खबर ग्वालियर की म्यूजिक यूनिवर्सिटी की खबर है, जहां पर नाट्य एवं रंगमंच संकाय के छात्र देंगे राष्ट्रीय नाट महोत्सव जयपुर में प्रस्तुति। जी हाँ, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के नाटक एवं रंगमंच संकाय के छात्र छात्राएं उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय नाट महोत्सव में जवाहर कला केंद्र जयपुर में नाटक में बोझ नहीं भविष्य का मंचन करेंगे। निर्देशन नाटक एवं रंगमंच संकाय के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने किया है। पूर्व में भी इस नाटक की बड़े बड़े राष्ट्रीय नाट्य समारोह में 10 से अधिक बार प्रस्तुति हो चुकी है। यह नाटक बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ विषय पर आधारित है, जो हास्य व्यंग और विनोद के माध्यम से बड़ी गंभीर बात कहता है। नाटक बुंदेलखंड की विलुप्त होती है लोक नाट्य परंपरा स्वांग शैली में मंचित किया गया है। दिनांक 25 अगस्त से 29 अगस्त तक होने वाले राष्ट्रीय नाट्य समारोह का समापन इस नाटक से होगा। इस नाटक में लगभग 25 कलाकार भाग ले रहे हैं, जो नाट्य विभाग के ही विद्यार्थी हैं। यह छात्र छात्राएं नियमित 3 घंटे का अभ्यास डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के मार्गदर्शन में प्रतिदिन कर रहे हैं। इस प्रस्तुति के लिए विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री अजय शर्मा ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी है और कहा है कि इस तरह से बड़े बड़े समारोह में नाट्य मंचन करने से विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ती है।